ये जैसे हमारे पास जो ऐसा कंपोनेंट लगा होता है इसको हम सर क्या बोलते हैं, LVR, लो वैल्यू रजिस्टर, या इसका काम सिर्फ ये होता है कि यहाँ से सप्लाई आएगी, इधर से होते हुए आगे चली जाएगी, या इधर से आएगी, इससे होते हुए आगे चली जाएगी। इसका काम होता है सप्लाई को आर पार करना। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर का लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर, ये ब्राउन कलर का कैपेसिटर, ब्राउन कलर का कैपेसिटर क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। इस तरीके के लगते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे लगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर, ठीक। ये जो स्टील बॉडी में लगा होता है, मेटालिक बॉडी में लगा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। ये देखिए आपके बोर्ड में जो व्हाइट कलर का डॉट लगा होता है और 6 पिन का होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। और उसके बाद जो ऐसा जो लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू कलर कॉइल। क्या बोलते हैं, टू कलर कॉइल। क्या बोलते हैं, टू कलर कॉइल, जिसमें दो कलर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं टू कलर कॉइल। इसका काम क्या होता है, सप्लाई को पास करना। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ से लाइन निकले, इस कॉइल से होते हुए दूसरी चीज पे लाइन चली गई, अगर कल कोई कॉइल खराब हो जाएगी तो लाइन आर पार नहीं जाएगी। ये जो व्हाइट कलर के लगे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। और ये जो लगा होता है इसे इंटरनल एंटीना, क्या बोलते हैं, इंटरनल। और आपके मोबाइल फोन में जैसे ऐसे जो पॉइंट होते हैं ये नेटवर्क के पॉइंट होते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क के पॉइंट होते हैं, इन्हें टिप्स बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, टिप्स। जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है तो ऑन ऑफ स्विच भी टच होता है, वॉल्यूम भी टच होता है, इन सबको पॉइंट्स या टिप्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड में ये सारी चीजों को पहचाना। अब हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड को पलट के दूसरी तरफ देखते हैं। ये देखिए आपके बोर्ड में जो इस तरीके लगे होते हैं इनको बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं, स्विच। स्विच खराब सही का पता कैसे किया जाता है, स्विच मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करोगे, बीप पॉइंट पे सेट करने के बाद दोनों पिनों को रखोगे, उसके बाद बीप नहीं देना चाहिए, जब इसको ऐसे दबाओगे तो बीप देना चाहिए। स्विच बटन की तरह काम करता है, इन दोनों पिन को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर पहले बीप देगा तो मतलब स्विच शॉर्ट है, अगर दबाने के बाद बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या, स्विच तुम्हारा सही है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ये जैसे लगा इसको क्या बोलेंगे, स्विच। और ये आपके मोबाइल फोन में जैक लगा है, क्या लगा है, जैक लगा है। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, डायोड। ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, हाँ ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, हाँ ये क्या लगा है, डायोड। ये क्या लगा है, और ये क्या है, ये क्या है, स्विच। क्या लगा हुआ है, स्विच। आप देखिए भाई ये क्या लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते सेंसर। ये डिस्प्ले आने पर, कॉल आने पर डिस्प्ले के लाइट को बंद कर देता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कॉम्बो वो डालते समय हम तो गुल्लू चपक जाता तो दिक्कत आता है। ये जो लगा हुआ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, और ये क्या है, ठीक। ये क्या लगा भाई, तीन टंग का ट्रांजिस्टर। हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये आई सी। हाँ हमने सोचा इसको भी डायोड का जरूर था। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट सारे कहाँ पर सर जी, ये फ्लैश लाइट, रोशनी खींचने वाला देने वाला। ये क्या लगा है, टू कलर कॉइल। क्या बोलते हैं, टू कलर कॉइल। इन्हें क्या बोलते हैं, ये हाँ ट्रांसफार्मर। ये क्या लगा है, हाँ ये क्या है, और ये इन्हें बोलते हैं फिल्टर, कपलर फिल्टर।
कपला फिट है। अच्छा देखिए, दो तरह के जैक होते हैं मोबाइल फोन में, एक जैक तो तुम्हारा ये दिख रहा है, दूसरा जैक सेम इसी तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक डिस्प्ले का होता है और एक यूआई का होता है। तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा डिस्प्ले का कौन सा यूआई का है? तो जिसमें से बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? ये बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, तो ये काय का होता है? डिस्प्ले का होता है। और जिसमें फिल्टर नहीं लगे होते हैं वो किसका होता है? हाँ, यूआई का होता है। तो इस तरह टच का अलग है। तो ये आपको बोर्ड में सारे कंपोनेंट की पहचान हुई कि नहीं पहचान हुई? कोई भी कंपोनेंट को आप आसानी से पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते? ठीक, तो ये कंपोनेंट्स को हम लोग पहचानते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं? चेक करते हैं। जिसमें से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन में से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ये मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा मात्रा में लगे होते हैं। जिसमें अगर सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत देखा जाए तो इसका होता है, इसका होता है, फिर इसका होता है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं आप। सबसे ज्यादा ये होंगे, फिर उससे कम ये होंगे, फिर उससे कम ये होंगे, उससे कम ये होंगे, ठीक है। अगर मोबाइल फोन में 100 रजिस्टर लगे होंगे तो 80 कैपेसिटर होगा, 80 कैपेसिटर होगा तो कॉइल बीसी 10 होगा, फिर डायोड 1, 2, 4 होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो इस, अच्छा ये तीनों चीजें, चार चीजें जो बताई, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो सर्किट को पूरा करती हैं। किसको पूरा करती हैं? सर्किट को पूरा करती हैं। सर्किट का मतलब होता है लाइन, परिपथ, रास्ता, सप्लाई, उसको क्या काम करते हैं? पूरा करते हैं। चाहे कोई भी लाइन देख लो, चार्जिंग का लाइन ले लो, स्पीकर, माइक, रिंगर, कीपैड, डिस्प्ले, नेटवर्क, सिम, हैंड फ्री, जो भी ट्रैक आप मानते हो, कोई भी ट्रैक को ले लोगे तो ये उन्हीं ट्रैकों के बीच में लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है? किसी भी सर्किट को सुरक्षित रखना। क्या काम करना? किसी सर्किट को सुरक्षित रखना। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूँ, आपके मोबाइल फोन में ये आईसी लगी है, काम तो एक्चुअल में आईसी करती है, लेकिन आईसी अकेले नहीं काम करती। आईसी को काम करने के लिए करंट चाहिए। क्या चाहिए? जब करंट यहाँ से चलेगा तो करंट चलने के बाद हो सकता है करंट ज्यादा हो तो कंपनी उसको कम करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देगी। अब करंट ज्यादा, अब करंट सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए कंपनी इसमें कैपेसिटर लगा देती है कि भाई चलो करंट फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद फिर करंट ये देखा गया, करंट ऐसा तो नहीं है कि मतलब करंट कम ज्यादा हो जाए, दिक्कत हो, कोई दिक्कत है तो कंपनी आपको कॉइल लगा देगी, करंट प्योर जाए उसके लिए डायोड लगा देगी। तो ऐसे कंपनी कंपोनेंट लगाती है। क्या लगाती है? ये कंपोनेंट क्यों लगाती है? ताकि आईसी सुरक्षित रहे। क्या रहे? अगर मान लिया ये कंपोनेंट नहीं लगे होंगे तो आईसी हमारी क्या रहेगी? सुरक्षित नहीं रहेगी, मतलब तुरंत उड़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई लोड पड़ेगा तो लोड पड़ते ही सबसे पहले क्या फूकेगा? आईसी फूकेगा। तो सबसे पहले आईसी फूकेगा तो इस कंडीशन पर कंपनी ये कंपोनेंट लगाती है। अब आईसी करंट अपने अंदर से ले लेगी, वो भी तो अपने घर थोड़ी ना ले जाएगी, वो भी बाहर निकालेगी। जब वो बाहर निकालेगी तो फिर का कॉइल लगा दे कि करंट बाहर निकले, फिर दूसरा निकलेगा बीच में का कैपेसिटर लगा दे, फिर का रजिस्टर से निकाले, फिर का एक डायोड से निकाले। मतलब ऐसे करंट को क्या करती है? डाइवर्ट करती है। क्या करती है? डाइवर्ट करती है। यहाँ पर आया, आया कितना? 5 वोल्ट। अब इसका काम है 2 वोल्ट निकालना, 3 वोल्ट निकालना, 1 पॉइंट निकालना, 1.8 वोल्टेज निकालना। मतलब एक वोल्टेज को लिया, उसको डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, डाइवर्ट करने का मतलब ये रहता है कि वो सब चीजें अलग अलग रूप में काम करती हैं, है ना? तो इस काम को हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? यानी परिपथ, ट्रैक, रास्ता। और उस रास्ते के बीच में क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? कंपोनेंट लगे होते हैं। ये कंपोनेंट क्या होते हैं? काम करते हैं। सब कंपोनेंट का अगर आप देख रहे होंगे तो अपना अलग अलग काम है। कोई कम कर रहा है, कोई
ज्यादा कर रहा है, कोई फिल्टर कर रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई सुन रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका अपना अपना काम है और ये काम के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। बस कंपनी में परिवर्तन क्या हो जाता है, कई बार किसी भी लाइन में रजिस्टर कंपनी एक लगा देती है, किसी कंपनी ने यहाँ पर दो लगा दिया। जैसे मान लिया इसने यहाँ पर एक ही बार में 2 किलो ओम का लगा दिया, हो सकता है इसने 1 किलो ओम का एक लगा दिया, 1 किलो ओम का एक लगा दिया, 2 लगा दिया, कोई का और आधा आधा करके 4 ठो लगा दे। तो ये कंपनी क्यों लगा रही, सुरक्षा के तौर पर लगा दे। अच्छा, ये कंपनी का अपना व्यवस्था करने का मैनेज होता है, इसमें किसी का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तुम एग्जाम्पल दिखा दो, तुम पनीर की सब्जी बनाना चाहते हो तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए क्या तुमको कुछ चीजें तो लानी ही पड़ेगी। तुमको पनीर भी लाना पड़ेगा, मटर भी लाना पड़ेगा, मसाला भी लाना पड़ेगा, तेल भी लाना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। लेकिन जितना भी लोग बनाता है सब अपने तरीके से बनाता है, सबका टेस्ट एक नहीं होता। सामान सबका एक है लेकिन टेस्ट सबका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, सबका दिमाग का सर्किट अलग है। कोई कोई पहले तेल डालता है तो कोई पहले पनीर डालता है, कोई बाद में मसाला डालता है, कोई पहले डाल देता है, कोई बाद में डालता है। सबका अपना अपना दिमाग है, नहीं दिमाग है, अब बनाता सब है। उसी तरीके से जितने भी सारी कंपनी है, ओप्पो है, वीवो है, एमआई है, रियलमी है, टेक्नो है, लावा, जो भी कंपनी है, सब कंपनी के अंदर ये प्लेट लगा होता है। अब प्लेट के अंदर क्या होता है, सर्किट। सर्किट में यही कंपनी बदलाव करती है, कभी कुछ पुर्जे कम लगाती है, कभी कुछ पुर्जे ज्यादा लगाती है, कभी 2 की जगह 1 लगा देती है, कभी 1 की जगह 2 लगा देती है। लेकिन लगाती जरूर है, नहीं लगाएगी तो काम कैसे चलेगा? स्पीकर नहीं लगाएगी आवाज कहाँ से निकलेगा? डिस्प्ले नहीं लगाएगी तो चित्र कहाँ दिखाई देगा? कैमरा नहीं लगाएगा तो फोटो कहाँ खींचेगा? तो इस तरीके से पुर्जे सब वही हैं, बस उनकी व्यवस्थाएं मैनेज बदल रही। तो हम लोग जब रिपेयरिंग सीखेंगे या किसी रिपेयर करेंगे, किसी बोर्ड को रिपेयर करेंगे, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि हम लोग किसी एक विशेष को देख करके रिपेयरिंग नहीं करते, हम लोग उसके सर्किट को समझ करके रिपेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सर्किट को समझ के रिपेयरिंग करते हैं। आप कभी ये देख करके नहीं रिपेयरिंग नहीं करेंगे कि मैं ओप्पो का फोन ठीक करने जा रहा हूँ, कि मैं वीवो का फोन ठीक करने जा रहा हूँ, कि मैं एमआई का ठीक करने जा रहा हूँ, कि मैं टेक्नो का ठीक करने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल दी बात, अभी मेरे पास एक मोबाइल 2 मोबाइल फोन आए थे, दोनों मोबाइल फोन में लॉक लगे थे, दोनों मोबाइल फोन का लॉक खोलना था, दोनों मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर खराब थे। हमने दोनों मोबाइल, एक मोबाइल फोन था मूवी स्टार का, एक मोबाइल फोन है एमआई का, और दोनों का चार्जिंग कनेक्टर सेम। अब मूवी स्टार अलग और एमआई अलग, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर दोनों को सेम, दोनों का लगाने का तरीका सेम। जब दोनों लगाए तभी सॉफ्टवेयर हुआ, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो इसका मतलब होता है कि जो रिपेयरिंग करी जाती है वो किसी पुर्जे की रिपेयरिंग करी जाती है, उस पार्ट्स की रिपेयरिंग करी जाती है, उस पार्ट्स के अंदर कनेक्टिविटी है उसको समझ करके रिपेयरिंग करी जाती है, ना कि कंपनी को देख करके रिपेयरिंग करी जाती है। क्योंकि जब आप सारे बोर्ड को निकाल करके अलग रख देते हो तो सारे बोर्ड के अंदर कोई एमआई ओप्पो वीवो नहीं बचता, सब एक हो जाता है, सिर्फ एक ही बचता है, वो होता है क्या? प्लेट। क्या बचता है? तो हम लोग रिपेयरिंग किसकी करते हैं? प्लेट की रिपेयरिंग करते हैं। तो इसलिए अब प्लेट की रिपेयरिंग करने के लिए प्लेट के अंदर लगे होते हैं 14 तरह के कंपोनेंट्स, और 14 तरह के कंपोनेंट की व्यवस्थाएं ऐसी करी जाती हैं कि वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन आप जब रिपेयरिंग करेंगे तो उनका लॉजिक एक ही होगा। जैसे मैंने मूवी स्टार में चार्जिंग कनेक्टर लगाया था, वैसे मैंने एमआई में लगाया, दोनों का सेम कनेक्टर, सिर्फ क्या फर्क था, कंपनी वो अलग थी, ये कंपनी अलग थी, बस हमने बोर्ड में लगा दिया। ठीक है, तो ये जितने भी सारे कंपोनेंट पार्ट होते हैं, इन सर्किट को हम लोग देख करके समझ करके रिपेयरिंग करते हैं। तो सभी लोगों का कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, अच्छा वो सारे कंपोनेंट्स को हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? उनको चेकिंग सीखा है, उनको पहचानना सीखा है, वो काम कैसे करता है। अब हम लोग ट्रेसिंग क्लास में यही सीखेंगे कि ये आपस में काम कैसे करते हैं, मिलजुल के काम कैसे करते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में